यूपी निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी, शुरुआती रुझानों में बीजेपी सबसे आगे। यूपी के सोलह नगर निगम में से 14 जगहों पर बीजेपी फिलहाल आगे है, 2 पर बीएसपी को बढ़त। नगर निगम के रुझानों में समाजवादी पार्टी की हालत खराब, फिलहाल खाता भी नहीं खुला। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में काउंटिंग बूथ से भीड़ हटाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज, 4 लोग घायल, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मथुरा के वार्ड 56 में बीजेपी और कांग्रेस को 874 वोट मिले, लकी ड्रॉ के जरिए बीजेपी की मीरा अग्रवाल जीती। आगरा के शमसाबाद में समाजवादी मीरा अग्रवाल जीती। आगरा के शमसाबाद में समाजवादी पार्टी और बीजेपी चेयरमैन पद के कैंडिडेट भिड़े, तीखी नोकझोंक हुई। यूपी निकाय चुनावों में जीतने वाले नहीं निकाल पाएंगे विजय जुलूस, राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई। निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम एसपी को सख्त निर्देश दिए, कानून व्यवस्था खराब होने पर जिम्मेदार होंगे। यूपी निकाय चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे तेज नतीजे सिर्फ जी न्यूज पर। लालू यादव का नीतीश कुमार पर निशाना, ट्वीट कर कहा पेट्रोल टमाटर प्याज सब 80 रुपए, गरीब ना टीआरपी देता ना चंदा, तो महंगाई पर बात कौन करेगा। नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर तंज कसा, लिखा घोटालों को उजागर करना, घोटालेबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना ही घोटाला है। तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला, अवैध खनन पर मुख्यमंत्री की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा घोटालों पर भी ट्वीट करें सीएम। पाकिस्तान के पेशावर में सुरक्षा बलों और संदिग्ध आतंकियों के बीच गोलीबारी, कृषि निदेशालय के पास मुठभेड़। अभी तक 11 लोगों के घायल होने की खबर, 3 में से 1 हमलावर मारा गया, 2 को सुरक्षा बलों ने घेरा। पुलिस ने इलाके को घेरा, सेना को भी बुलाया गया, पास ही मौजूद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 100 छात्र फंसे हुए हैं। घायलों को खैबर टीचिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी घोषित की गई। मोदी सरकार से राहुल गांधी का तीसरा सवाल, 2002 से लेकर 16 के दौरान 62,000 करोड़ की बिजली खरीदकर 4 निजी कंपनियों की जेब क्यों भरी। राहुल ने पूछा निजी कंपनी से 3 रुपए प्रति यूनिट की बिजली 24 तक की दर से क्यों खरीदी, जनता की कमाई क्यों लुटाई। जीएसटी का रेट 18% फिक्स करने के राहुल गांधी के बयान पर जेटली का निशाना, कहा हवाई चप्पल और बीएमडब्ल्यू पर एक जैसा टैक्स कैसे हो सकता है। भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर, दूसरी तिमाही में जीडीपी में बढ़ोतरी, जुलाई सितंबर महीने में विकास दर 6.3% रही। पीएम मोदी आज गुजरात की महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए संवाद करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बी गुरुनाथ तेलुगु देशम पार्टी में शामिल, अभी तक वाईएसआर कांग्रेस के 22 विधायक टीडीपी में जा चुके हैं। कल्याण डोमिवरी महानगर पालिका में शिवसेना को झटका, ओबीसी का झूठा सर्टिफिकेट देने पर मेयर का चुनाव रद्द। तमिलनाडु और केरल में चक्रवाती तूफान ओखी का अलर्ट, चेन्नई मदुरई समेत कई शहरों में स्कूल बंद किए गए। प्रशासन ने चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारी की, कोची में नेवी के 5 शिप तैनात, लक्षद्वीप में भी 2 जहाज मुस्तैद। कन्याकुमारी में भारी बारिश और तेज हवाओं से अब तक 4 की मौत, राहत बचाव जारी, स्कूल कॉलेज बंद। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीआरएफ से हालात की जानकारी ली, एनडीआरएफ की कुछ और टीमों को अलर्ट पर रखा गया। रूस के सोची में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का शानदार स्वागत, एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रही है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अपील, वीडियो जारी कर कहा आर्म्ड फोर्सेस के मौके पर सेना का झंडा खरीद कर लगाएं। रक्षा मंत्री ने कहा झंडों की बिक्री से इकट्ठा हुए पैसों का इस्तेमाल शहीद के परिवार वालों के लिए होगा। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है, इस साल 1 से 7 दिसंबर तक आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग वीक मनाया जा रहा है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के लिए सबसे बड़ा डिजिटल कैंपेन आज से, पहली बार डिजिटल तरीकों से फंड जुटाने की मुहिम। अक्षय कुमार की देश की जनता से अपील, शहीद परिवारों के लिए बढ़ चढ़ कर दें डोनेशन। दिल्ली में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के 16,000 से ज्यादा खाली पड़े पद, एलजी ने शिक्षकों के प्रमोशन को मंजूरी दी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उत्तर भारतीयों की तारीफ की, मुंबई के विकास में योगदान को अहम बताया। सूखा और गीला कचरा अलग न रखने पर बीएमसी का एक्शन, मंत्रालय समेत मुंबई की कई इमारतों और होटलों पर जुर्माना। मुंबई में फेरीवालों के समर्थन में आए नाना पाटेकर, कहा उनकी कोई गलती नहीं,
इतना समझ लें कि राज ठाकरे का एक वोट कम हो गया। नाना पाटेकर के बयान से नाराज हुए राज ठाकरे, कहा नाना हमें नहीं सिखाएं, जानकारी के बगैर न दें बयान। यूपी के इटावा में जीआरपी के दो जवान गिरफ्तार, मगध एक्सप्रेस ट्रेन में रिटायर्ड जज की बेटी से की थी छेड़छाड़। कानपुर में पत्रकार नवीन श्रीवास्तव की हत्या को लेकर पुलिस ने कई टीमें बनाई, कल बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। बिहार के छपरा में देसी शराब के साथ दो गिरफ्तार, छापेमारी के दौरान शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया। बिहार के छपरा में डंपर की चपेट में आकर एक टीचर का पैर कटा, घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। राजस्थान के बारा में NH-27 पर हादसा, सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी बस, एक की मौत कई घायल। उधम सिंह नगर के शांतिपुरी में बाघ के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वन विभाग से बाघ को जल्द पकड़ने की मांग की गई। कोलकाता के स्कूल में 4 साल की बच्ची का यौन शोषण, स्कूल टीचर पर है आरोप। राजस्थान के टोंक में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, शोर मचाने पर भागा आरोपी, परिवार वालों ने पकड़ कर पीटा। राजस्थान के दौसा में शराब की दुकान में चोरी, बदमाशों ने करीब 4 लाख की शराब पर हाथ साफ किया। दिल्ली में आज से आम जनता के लिए खुलेगा मैडम टुसॉड म्यूजियम, महात्मा गांधी नरेंद्र मोदी समेत 50 मशहूर हस्तियों के पुतले लगाए गए। जून 2018 में भी जारी रहेगी क्रूड उत्पादन में कटौती, ओपेक और रूस में बनी सहमति, 2018 के अंत तक रोजाना 18 लाख बैरल कम होगा उत्पादन। मोबाइल को आधार से लिंक करने के लिए स्टोर जाने की जरूरत नहीं, ओटीपी नंबर से हो सकेगा सिम का रीवेरिफिकेशन।